हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो जो आज का है ये वॉशिंगटन डीसी हम लोग गए थे। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम नाउ। हम लोग तो काफ़ी सारी जगह घूमे और एक वीडियो में उसको कवर करना बहुत मुश्किल था। एक वीडियो पहले आ चुका है, यहाँ आई बटन पे आपको नजर आएगा, उसको आप देख सकते हैं। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर डीसी विजिट। आज का जो वीडियो है ये, इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं एक नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है डीसी में, इसको स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। तो उसका एक बहुत क्विक टूर, मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं, क्योंकि म्यूजियम्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पर आप, मेरे ख्याल से पूरा दिन भी आपको कम पड़ेगा फॉर जस्ट वन म्यूजियम, तो वो तो नहीं हो पाएगा बहुत डिटेल में तो। लेकिन हाँ, आपको ग्लिम्सेस दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं वहाँ पर। ये जो म्यूजियम है ये भी पूरा एक वीडियो में नहीं कवर हुआ है। इस पार्ट में कुछ उसके सेक्शन है और फिर जो बचा हुआ सेक्शन है वो एक थर्ड वीडियो में फिर उसको डालेंगे। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये रहा म्यूजियम का एंट्रेंस, बिल्डिंग के बाहर का व्यू है ये, और यहाँ से हम लोग फिर अंदर जाएंगे। अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कैसा है अंदर का नज़ारा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, बिल्कुल एकदम गेट के अंदर आते से ये है। सबसे पहले हम लोगों को नज़र आया ये क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हमेशा से पढ़ते आए थे बचपन से इसके बारे में, बट कभी देखा नहीं था। और नेचुरल फॉर्म में, बाय द वे, बहुत खूबसूरत होता है। फिर उसके बाद नीचे में दूसरा सेक्शन आता है जहाँ पे बर्ड्स का कलेक्शन है, बर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया करके इन लोगों ने इसको नाम दिया है। यहाँ पर छोटे छोटे जो हम लोग के यहाँ स्पैरोज नहीं आती घर में, गोरैया होती है, उस तरह की बर्ड्स भी दिखी, उस साइज़ से लेकर के, मतलब द स्मॉलेस्ट साइज़ जो था वो ये देखो, ये सामने जो गोरैया जैसी लग रही है एकदम, तो उनसे लेकर के जो ऑस्ट्रिच होते हैं वहाँ तक सब बड़े से बड़े फिर बर्ड्स यहाँ पर नजर आई। उनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स भी लिखे होते हैं साथ में, वो तो वीडियो में नहीं आ पाएंगे ऑब्वियसली। आप देख सकते हो जो पीछे बोर्ड लगे हुए ना छोटे छोटे से, उनमें हर एक वैरायटी ऑफ बर्ड के बारे में डिटेल में लिखी हुई है। नॉट जस्ट बर्ड्स, बाकी के भी जो सेक्शंस हैं जो अभी आपको दिखाएंगे आगे, उसमें भी बहुत सारा डेटा था, मतलब इन्फॉर्मेशन से तो लोडेड है पूरा म्यूजियम। म्यूजियम में तो होता ही है, किसी भी म्यूजियम में अपन जाते हैं तो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। वुडपेकर्स हैं यहाँ पर ऊपर, ये देखो अंदर से निकल रही है, सुंदर होती हैं यार ये सब के सब। मुझे बड़ा मज़ा आता है म्यूजियम्स पर्सनली जाना, क्योंकि इतना कुछ आपको जानने मिलता है एक बिल्डिंग के अंदर। यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स, बस यही कि आपको टाइम लगता है एक्सप्लोर करने में। एंड लुक एट दिस बर्ड्स, ये इतनी सुंदर होती हैं सब, मतलब यहाँ पर आकर के ना हम लोग को, क्योंकि पक्षियों को इतने पास से देखने मिलता नहीं है कभी, है ना। जनरली हम लोग, मतलब गोरैया भी अगर है घर में आती है, उनको घोंसले घर में ही बनाने हैं, लेकिन उनको पास जाओ तो भाग जाती हैं तुरंत, तो उतनी क्लोजली देख नहीं पाते हैं ना बर्ड्स को अपन, क्योंकि डरते हैं वो लोग, डरते हैं इसलिए पास आने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना क्लोजली देखा उनके पंखों का स्ट्रक्चर, उनकी आँखों का स्ट्रक्चर, मदर नेचर की क्रिएटिविटी या जो भी बोलें, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर फिर बड़ी साइज़ की जो बर्ड्स होती ना वो आना शुरू हो गई, ये सब आप जो देख रहे हैं। अच्छा, बर्ड्स के सेक्शन के बाद यहाँ पर फिर मैमल्स का सेक्शन आ जाता है, जहाँ ये सबसे पहले हाथी नज़र आता है बीच में बड़ा सा। और ये बिल्डिंग का पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बना है जो आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। और हम लोग जब गए थे ना, बहुत लोग आए थे उस समय, तो इतनी भीड़ थी वहाँ पर, काफ़ी रश था। ये आप देखिए, ये सब बैट्स लटके हुए हैं, जितने भी टाइप के मैमल्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाया गया है, और उनको जो एक्चुअल साइज़ है उसी साइज़ में दिखाया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा एक ह्यूमन, मतलब हम अपने आप से उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर ये पैंडा। ये जिराफ नज़र आया हम लोगों को, काफ़ी ऊंचा होता है जिराफ, कभी देखा नहीं मैंने, तो कभी नहीं देखा है आज तक, अपार्ट फ्रॉम दिस जो यहाँ पर मिला देखने को, बाकी कभी ऐसा मौका नहीं लगा। और यहाँ ना, मतलब जो जितने भी ऐसे एनिमल्स के सेक्शन होते हैं वहाँ, उनके सामने लोगों ने बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसमें उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्रिस्प तरीके से, वो जितना जो ब्रीफली उसको बता सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में वो उन्होंने वहाँ पर मेंशन किए हुए। ये दिखाया है ये ह्यूमंस का जो रिप्रेजेंटेशन कितना बड़ा होता है, ये इसमें मल्टीपल है ना, उनमें से एक का यहाँ पोजीशन दिया है, और ये जिराफ का साइज है, तो ऐसे इसमें कल्पिंग आ रही है, तो फिर लगे हुए ना यहाँ पर मल्टीपल इनके, दैट्स हाउ उसकी गर्दन इतनी लंबी हो जाती है। तो जिराफ की गर्दन इतनी लंबी कैसे हो सकती है, तो ऐसे हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्ट्स, यहाँ पर भी आप देखिए कि कैसे
जो स्कल्स होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, कार्निवरस जो होते हैं एनिमल्स उनके मैमल्स उनके स्कल्स में कितना डिफरेंस आता है। तो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट्स जगह जगह पर दिखते हैं। अच्छा, इस तरह से ना इंटरैक्टिव गेम्स जैसा भी उन लोगों ने लगा रखा है सामने, ताकि बच्चे जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है। हालांकि हम लोगों ने भी इंजॉय किया, तो इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन के कॉलम्स यहाँ पे लगे रहते हैं। ये टर्माइट्स का दिखाया गया कि टर्माइट्स कैसे यहाँ पर मिट्टी के अंदर घर बना करके रहते हैं, वो क्यों रहते हैं। अरे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो वहाँ पर लिखे हुए थे, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको वीडियोज़ को पॉज करके पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने डेफिनेटली मिलेगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको अच्छा लगेगा पॉज करके पढ़ेंगे तो। अच्छा, मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिए थे जो फैक्ट्स थे वो, कि मैं ट्राई करूँगी कि उन फैक्ट्स को आपको बोलूँगी, बताऊँगी आपको अलग से, लेकिन वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं खुद से तो नहीं उसको रिसाइट कर रही हूँ, बट आप पढ़िएगा। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको पॉज करके पढ़ना है। यहाँ पर पूरे इफेक्ट्स दे रहे हैं लोग, है ना, बारिश वाले और ये सब। तो ये इस तरह के इंटरैक्टिव गेम्स भी होते हैं, इसमें काउंट करना है कितने ज़ेब्रास हैं। तो बढ़िया बनाया है। अब यार है भी कैपिटल है अमेरिका की, तो उस हिसाब से उन लोगों ने बनाया। हालांकि म्यूजियम्स अपने आप ही बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में म्यूजियम्स की कमी है, काफ़ी म्यूजियम्स हैं और बहुत अच्छे म्यूजियम्स हैं। देन ये यहाँ पर इनकी आँखों के बारे में बात हो रही है। देखिए जगुआर की आँखें कैसे रात में देख लेती हैं, और नॉट जस्ट जगुआर, कोई भी इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो नाइट हंटर्स होते हैं, रात को हंटिंग करते हैं, उन लोगों की आँखों में क्या ऐसा खास होता है जो वो देख पाते हैं। सो प्योर साइंस। ये हाउ डू कैंगरूज हॉप, तो एक जो कंगारू होते हैं वो कैसे जंप करते हैं उनके बारे में है। हॉपर्स अराउंड द वर्ल्ड, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है। ये स्लॉथ है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। बहुत बड़ा है ये। तो ये देखने में तो हाथी जैसा लग रहा है, पर ये है नहीं हाथी। ये सब डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था ऐसे, हालांकि स्क्रीन जैसा है, ये 3D नहीं है। उसके अंदर में ऐसा चल रहा था मैप और ग्लोब, बेसिकली ग्लोब ऐसे घूम रहा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि इंडिया आएगा तब तक देखते हैं, एंड फाइनली वी कुड सी दैट ये सारे डायनासोर्स के स्केलेटन्स हैं। अब ये आप देखिए कैसे स्केलेटन्स क्या उनके फॉसिल्स हैं। ये पूरा सेक्शन उन्हीं का था, उन्हीं को डेडिकेटेड था डायनासोर्स के लिए। हाँ, डायनासोर्स इन देयर टाइनी फॉर्म्स। ये वाला आर्टिफिशियल है, प्रिटी क्यूट है। कैसे तैयार हैं कि आपस में दोस्त से नहीं थी, ये कोई ऊपर वाला डायनासोर नीचे वाला डायनासोर खा रहा है। कछुआ है, कितनी बड़ी है सच में। पाइप्स हैं पतले 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 पतले, इसमें समझ में आएगा। ये देखो ऐसी ओपनिंग है। तो इस वाले सेक्शन में बता रहे हैं कि ह्यूमंस का ओरिजिन कहाँ है। What are you doing? यहाँ पर सबके स्केलेटन्स थे, इंक्लूडिंग रेप्टाइल्स। ये सांप हैं जिनके
स्केलेटन रखे हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि सांप के अंदर भी हड्डियाँ होती हैं टू बी ऑनेस्ट, और इतनी ज़्यादा होती हैं। तो यू गेट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स अगर आप म्यूज़ियम में अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। हम अपनी अपनी ही बॉडी को हम अच्छे से नहीं जानते, तो हम बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनको कैसे जानेंगे। तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्पेंड सम टाइम इन म्यूज़ियम्स और थोड़ा जाने चीज़ों के बारे में, तो वी गेट टू नो सो मच। ये कछुए थे, ये सारी मछलियां हैं। अच्छा, ये उसके बाद एक सेक्शन था जहाँ पर ममीज, जो एक्चुअल ममीज हैं, वो भी रखी गई थी। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, क्या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और उनमें से कुछ तो ना बहुत रॉटन फॉर्म में भी रखे हुए थे, हालांकि प्रिजर्व किया हुआ है, लेकिन वो नहीं हो पाए उतने प्रिजर्व। उनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो बहुत अच्छे लग नहीं रहे थे, तो मुझे मन नहीं किया उसे रिकॉर्ड करने का। बट हाँ, उन कॉफिन्स के अंदर कैसे रखा जाता है सब चीज़ें, सबकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन कर देते हैं वो लोग। ये हाथी के खाने वाले दांत हैं, ये दिखाने वाले दांत हैं, एंड देन उसके पैर हैं। बट एनीवे, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कुछ नया जानने मिला कि नहीं। और देखते रहिए वीडियोज़, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।